दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के पॉकेट वीडियो में आप सबों का स्वागत है। छात्रों नमस्कार। आज के इस पॉकेट वीडियो में टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी और असमानता की जांच चैप्टर पर हम लोगों को काम करना है। यह चैप्टर बैंकिंग के परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ रेलवे वालों के लिए भी। तो इसके सभी प्रश्नों को ऐसे एक रूल की ज़रूरत है, ऐसे एक नियम की ज़रूरत है जो सभी प्रश्नों को बनाने की क्षमता रखता हो, सभी प्रश्नों को बनाने का मादा रखता है। ऐसे ही रूल को आज हम लोग सीखेंगे भी। टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी को छः रूल्स में, छः तरीकों में बांटा गया है। इस छः तरीकों को देखिए, शायद यह तरीका सेम तरीका किताबों में ना मिले, तो इस तरीके को देखेंगे और इसी तरीके से बनाने की आप कोशिश भी करेंगे। टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी के रूल वन को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। रूल वन में देखेंगे आप, इससे पहले छोटी छोटी कुछ जानकारियाँ जो टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी के लिए आवश्यक होंगी। छात्रों, इन मैथमेटिकल ऑपरेटर का प्रयोग आप लोग अवश्य करते होंगे। ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, इज इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू, या लेस देन और इक्वल टू, इन पांचों मैथमेटिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल हम लोग टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी में देखेंगे। आपको यहाँ सीखना क्या है, आप जो ये हिस्सा देख रहे हैं, ये ओपन एरिया और ये क्लोज्ड, ओपन वाला भाग जो है वो ग्रेटर देन का है और ये स्मॉलर देन। तो अगर ऐसी कोई आकृति मिलती है तो आपको ये समझना है इसका मुख इधर है। किधर मुख है? जो ओपन एरिया है उधर उसने चेहरा किया हुआ है, उसका मुख उधर है। और सिर्फ इस बेस पर आप ध्यान देंगे कि सभी प्रकार के प्रश्नों की, टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी के हर एक प्रश्नों को बनाने का ये मादा रखता है यह मेथड। तो ऑब्वियस है, अगर ऐसी आकृति हो जाए तो आप कहेंगे मुख उधर है, जिधर वो ओपन एरिया होगा, स्वाभाविक है इसमें आप मुख इधर कहेंगे और इसमें आप मुख इधर कहेंगे। अब बराबर की बात करें तो आप कह लेंगे भाई इसका तो मुख दोनों ओर होगा, जिसको हम लोग एक रूल में पढ़ेंगे। आप रूल वन की चर्चा करें सबसे पहले, आप रूल वन के एक एग्जांपल को देखें। ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, एंड सी इज ग्रेटर देन डी। छात्रों, यहाँ तीन स्टेटमेंट कॉमा से सेपरेट किए हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म इक्वल भी है। आप इसे एक तरीके में आप अगर सजाने की कोशिश करें तो ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, सी इज ग्रेटर देन डी, इसी फॉर्मेट में सजाएंगे इसको। लेकिन यह भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप सबसे पहले देखें कि स्टेटमेंट नंबर वन का मुख इधर है, इस ओर लेफ्ट की ओर, इसका भी मुख लेफ्ट की ओर और इसका भी मुख लेफ्ट की ही ओर है। कहने का मतलब, अगर सभी कथनों के मुख की दिशा एक ही ओर हो जाती है तो पहला आने वाला टर्म आखिरी आने वाले टर्म से केवल बड़ा होगा। केवल बड़े का मतलब समझिए, यहाँ पहला टर्म ए आ रहा है और यहाँ आखिरी टर्म डी, तो निश्चित ही ए डी से बड़ा होगा, केवल बड़ा। यानी जो पांच रिलेशन देख रहे हैं, इट मीन्स ए इज नॉट ग्रेटर इक्वल टू डी, ए इज नॉट लेस देन इक्वल टू डी, ए इज नॉट इक्वल टू डी और ए लेस देन बी डी से नहीं हुआ, ये चारों ही जवाब नहीं हुए। केवल क्या रिश्ता होगा? बड़े का। अब आप देखेंगे इन दो स्टेटमेंट में, पहला टर्म ए और आखिरी टर्म सी, क्या रिश्ता होगा? ए सी से केवल बड़ा होगा। अब इन दोनों स्टेटमेंट में देखें तो इन दोनों स्टेटमेंट के मुख की दिशा एक ही ओर है, तो इस दोनों स्टेटमेंट में पहला टर्म बी और आखिरी टर्म डी है, तो निश्चित ही बी इज ग्रेटर देन डी होगा। सिर्फ यही रिश्ता, ये तीन रिश्ते बनेंगे इसमें, बाकी का नहीं, केवल बड़ा। ये है रूल नंबर एक। अब थोड़ा सा इसमें कुछ और एग्जांपल्स देख लें आप। आपको ध्यान रखना है कि जब सभी कथनों के मुख की दिशा एक ही ओर हो जाती है तो पहला आने वाला टर्म आखिरी आने वाले टर्म से केवल बड़ा होगा। रूल वन की पहचान कीजिए। एक एग्जांपल और ले लें आप, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर इक्वल टू सी एंड सी इज ग्रेटर देन डी। आप चेक करें ए और सी के बीच तो आप कहेंगे सर ये रूल नंबर वन है। कैसे है रूल नंबर वन? क्योंकि दोनों के मुख की दिशा, गौर से देखिए, दोनों के मुख की दिशा एक ही ओर है तो ये रूल नंबर वन। बी डी के बीच रूल पहचाने आप तो बी का मुख इधर और डी का भी मुख इधर है, अर्थात यह भी रूल नंबर वन है। और रूल नंबर वन कहने का मतलब फर्स्ट टर्म ए सी से केवल बड़ा होगा,
इन दोनों में आप देखेंगे तो फर्स्ट टर्म बी डी से केवल बड़ा होगा, है ना। और ए सी की बात कर लें तो ए से लेकर डी तक, ए डी तक, तो इन सभी कथनों के मुख्य दिशा एक और है, तो पहला टर्म ए निश्चित ही आखिरी टर्म डी से केवल बड़ा होगा। और रिश्ते नहीं होंगे, रूल वन में ओनली ग्रेटर देन, केवल बड़ा, बड़ा या बराबर नहीं, छोटा या बराबर नहीं, छोटा नहीं, ये नहीं। अब यहाँ देखिए तो इन दोनों में क्या रिश्ता कहेंगे, आपको क्या कहना है, ओपन एरिया की ओर मुख, ये इधर मुख और ये इधर मुख, फर्स्ट टर्म ए लास्ट टर्म सी, ए इज ग्रेटर देन सी, केवल बड़ा होगा, ये है रूल नंबर वन। चाहे बीच में रिश्ते कोई हो छात्र, जैसे एक और ले लें आप, ए इज ग्रेटर इक्वल टू बी, बी इज ग्रेटर देन सी एंड सी इज ग्रेटर इक्वल टू डी, आप देखेंगे ये भी एक, ये भी, ये भी, सभी कथनों के मुख्य दिशा एक ही ओर है, इसका मतलब ए और सी के बीच रूल नंबर वन, बी डी के बीच रूल नंबर वन, और कोई ए डी के बारे में पूछे तो आप कहेंगे ये भी रूल नंबर वन, और रूल नंबर वन क्या कहता है, ओनली ग्रेटर देन। अब आपसे पूछें ए सी के बीच तो आप कहेंगे ए ओनली ग्रेटर देन सी, बी डी के बीच बी डी से केवल बड़ा होगा, है ना। और अगर ए डी के बाद पूछें ए डी की बात तो ए भी डी से केवल बड़ा होगा, केवल बड़े का रिश्ता रखना है, बाकी जो चार मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं उसका काम हम लोगों को इसमें नहीं करना है। आइए रूल टू भी देखेंगे, फिर रूल और वन, रूल वन एंड टू को हम लोग तुलना भी करके देखेंगे। रूल नंबर टू समझिएगा, रूल नंबर वन छोटी सी यहाँ व्याख्या लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी एंड सी इज ग्रेटर देन डी। आप कहेंगे ए सी के बीच रूल वन, चूँकि सभी का मुख एक और, बी डी के बीच रूल वन सबों का मुख एक और फाइनली ए डी के बीच भी रूल वन, और आप कहेंगे रूल वन का मतलब होता है ग्रेटर देन, रूल वन का मतलब ग्रेटर देन, ये हम लोगों को याद रखना है। और रूल वन की पहचान क्या होगी, सभी कथनों के मुख की दिशा एक और। जरा रूल टू ध्यान से देखिए आप लोग, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी एंड सी इज ग्रेटर देन डी। छात्र दोनों एग्जाम्पल एक जैसे आपको दिख रहे होंगे, रूल वन का भी और रूल टू का भी, लेकिन दोनों में भाषा सुनिएगा। यहाँ हमने कहा था कि सभी कथनों के मुख की दिशा एक ही ओर होगी, और यहाँ कह रहे हैं जब सभी कथन, ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट, तीनों ही जब किसी एक प्रतीक चिन्ह से जुड़ा हो, एक ही सिंबल से जुड़ा हो, यहाँ सिंबल क्या है जुड़ने का, ग्रेटर देन, तो किसी भी दो के बीच, वो ए सी के बीच हो जाए, वो बी डी के बीच हो जाए या ए डी के बीच हो जाए, छात्रों इन तीनों में केवल वही रिश्ता होगा जिस रिश्ते से वो पहले से जुड़े हुए हैं। इसको एक और एग्जांपल से देखेंगे और क्लियर होगा, तो मेरी बात लगेगी सही थी। ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी एंड सी इज इक्वल टू डी। भाई स्टेटमेंट नंबर वन टू एंड थ्री सभी किस सिंबल से जुड़ा हुआ है, इज इक्वल टू, यानी किसी भी दो टर्म की बात कर लें, ए सी की बात कर लें या आप बी डी की बात कर लें या ए डी की बात कर लें, सबों में तो रिश्ता वही होना है बराबर का, है ना। अब देखिए इसकी और इसकी आवश्यकता रूल टू में नहीं है, क्योंकि ये तो रूल वन से ही काम चल जा रहा है हमारा, बराबर वाला तो आप समझ ही रहे हैं। रूल टू की जरूरत क्यों पड़ी, अब एग्जांपल देखेंगे, ए इज ग्रेटर इक्वल टू बी, बी इज ग्रेटर इक्वल टू सी एंड सी इज ग्रेटर इक्वल टू डी। इसका प्रयोग छात्रों इसलिए किया गया कि वो भाषा आप समझें, यहाँ क्या भाषा थी, जब सभी कथन एक ही सिंबल से जुड़े हों, सभी कथन, ऐसा नहीं कि ये और ये जुड़ा हो, ये नहीं, सभी कथन लगातार के सभी कथन एक ही सिंबल से जुड़े होंगे, तो किसी भी दो टर्म के बीच वही रिश्ता होगा जिस सिंबल से वो जुड़े हैं। आप कहेंगे इनमें सभी कथन इस सिंबल से जुड़ा है, है ना, तो ए सी के बीच रूल टू, बी डी के बीच रूल टू और फाइनली ए डी के बीच भी रूल टू ही आप कहेंगे। और रूल टू कहने का मतलब अब आपको ग्रेटर इक्वल टू कहना है। ए सी के बीच कैसा रिश्ता, ग्रेटर इक्वल टू, चलिए बी डी के बीच कैसा रिश्ता, ग्रेटर इक्वल टू, और फाइनली ए डी के बीच कैसा रिश्ता, वो भी ग्रेटर इक्वल टू। तो रूल वन और टू में क्या अंतर पाया, रूल वन में सभी कथनों की मुख्य दिशा एक होती थी और उसमें केवल ग्रेटर देन का कंक्लूजन होता था।
रूल टू में इनको छोड़ दें आप, सबों में ग्रेटर इक्वल टू है, सभी सबों में एक ही प्रतीक चिन्ह का प्रयोग है, तो वही रिश्ता होगा जिससे वो जुड़े हैं। तो हम क्या याद रखेंगे, रूल वन इज ग्रेटर देन एंड रूल टू ग्रेटर इक्वल टू, ये दो बात याद रखेंगे। आज के इस पॉकेट वीडियो में रूल वन और टू पर हम लोग पूरी की पूरी चर्चा कर लेंगे, फिर रूल थ्री फोर की चर्चा कर लेंगे। जब सारे रूल पर चर्चा हो जाएगी तो उसके बाद बारी आएगी प्रश्नों का बनना, आप देखेंगे कैसे रैपिडली प्रश्न को इस नियम के अनुसार हम लोग बनाते हैं। आइए थोड़ा अब चर्चा कर लें वन एंड टू दोनों पर। सभी बच्चे ध्यान से देखें, ए इज ग्रेटर इक्वल टू बी, बी इज ग्रेटर इक्वल टू सी एंड सी इज ग्रेटर देन डी। छात्रों इस स्टेटमेंट में दोनों ही रूल्स छिपे हुए हैं। आपसे अगर कहें, उससे भी पहले आप याद करें रूल वन ग्रेटर देन और रूल टू ग्रेटर इक्वल टू, अभी दो ही रूल हम लोग सीख भी रहे हैं। ए और सी में रूल नंबर टू होगा, क्लियर, क्योंकि दोनों में सेम प्रतीक चिन्ह का प्रयोग है। और अगर बी डी के बीच आपको देखना होगा तो आप इसे रूल वन कहेंगे। रूल टू कब कहते हैं, जब इसमें भी ग्रेटर इक्वल टू होता तो, इसे जरा बाहर कर देते हैं इसको, आप समझ लेंगे। बी इज ग्रेटर इक्वल टू सी था, सी इज ग्रेटर देन डी, अगर यहाँ ग्रेटर इक्वल टू होता तो निश्चित तौर पर इन दोनों में भी रूल टू ही हो जाता। और पुनः ए और डी के बीच, चलिए यहाँ सेम सेम, यहाँ तो अनलाइक है, नहीं है सेम, यानी ये रूल टू को सपोर्ट ना करके रूल वन को सपोर्ट करेगा। छात्रों रूल टू किसके बीच, ए और सी के बीच, तो ए और सी के बीच रिश्ता कैसा, ग्रेटर इक्वल टू। अब बी डी की बीच बात करें तो बी डी के बीच आप देख रहे हैं रूल नंबर वन यानी ग्रेटर देन, फिर ए डी की बात करें तो ए डी के बीच भी ग्रेटर देन होगा क्योंकि यहाँ रूल नंबर वन है। ज़रा एक और स्टेटमेंट में पहचान करने की कोशिश करते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर इक्वल टू सी, सी इज ग्रेटर इक्वल टू डी एंड डी इज ग्रेटर देन ई। छात्रों पहचाने, ए और सी के बीच रूल नंबर वन है, बी और डी के बीच दोनों में समान सिंबल है रूल टू, सी और ई में देखिए आप रूल वन ही है। ये रूल टू में कब कन्वर्ट होता, जब यहाँ ग्रेटर और इक्वल टू होता। तो अगेन आपसे ए डी के बीच पूछें तो ग्रेटर देन ग्रेटर इक्वल सबों में समान नहीं है, मुख लेकिन एक ही गुड़ है सबों का, तो ये रूल नंबर वन। आपसे कोई बी और ई के बीच पूछे, सबों में समान नहीं है लेकिन सभी कथनों के मुख की दिशा एक हो रही है, इसलिए यह रूल वन हो जाता है। और आपको पहले से पता है रूल वन जितनी जगह पर हो हम लोग ग्रेटर देन का प्रयोग, और रूल टू जितनी जगह पर हो उसका कंक्लूजन ग्रेटर इक्वल टू होता है। उम्मीद करते हैं रूल वन और टू पर आपकी पकड़ बढ़ेगी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रूल वन ओनली ग्रेटर देन, रूल टू ग्रेटर और इक्वल टू। रूल वन की पहचान सभी कथनों के मुख की दिशा एक ओर, और रूल टू की पहचान सभी कथनों में एक ही सिंबल का प्रयोग। तो फाइनली आप लोग याद कर लेंगे रूल वन इज ग्रेटर देन एंड रूल टू का मतलब ग्रेटर और इक्वल टू समझा जाएगा। छात्रों अगली बारी आएगी रूल थ्री और फोर को पढ़ने की। पॉकेट वीडियो छोटी छोटी क्लास में बहुत सारी बातों को पढ़ने का हम लोगों को मौका मिलता है। तब तक आप सभी लोग दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कर लें, दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के फेसबुक पेज को ज्वाइन करें और साथ ही साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें ताकि नए अपडेट से परिचय मिलता रहे हम लोगों को। चलिए मिलते हैं अगली पॉकेट वीडियो क्लास में। धन्यवाद।